क्वेश्चन है गुणनफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग सॉल्व लिखेंगे, ठीक है। सॉल्व इसमें क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे, ठीक है। दो तियाई छः प्लस में है, प्लस हुआ, उसके बाद इंटू फाइव है, तीन पंचे तीन छः सॉरी छः पंचे तीस हो जाएगा, तीस का उत्तर ये हुआ। उसके बाद फिर पाँच तियाई पंद्रह माइनस में है, और उसके बाद इंटू माइनस सिक्स है, पंद्रह छः कितना हो जाएगा, पंद्रह पंचे पचहत्तर, पंद्रह छक्का नब्बे हो जाता है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद फिर ये चार तियाई बारह माइनस है, तो माइनस यहाँ पर और इंटू फिर दो है, तो बारह दुनी क्या हो जाता है, चौबीस, और प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया। उसके बाद छः छः चौ चौबीस हो जाएगा ये, और प्लस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर इंटू वन है, तो चौबीस से कम चौबीस, ये हो गया ये उत्तर। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, किसी भी संख्या का जीरो से गुणा होता है, तो वहाँ पर जीरो है, ए तीन शून्य शून्य इंटू माइनस टू, तो ये माइनस टू शून्य शून्य, ये हो गया उत्तर। फिर दो सत्ते चौदह माइनस है, इंटू माइनस थ्री है, तो चौदह 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 दिया बयालीस, ठीक है, चौदह दिया बयालीस, और ये माइनस है और ये माइनस, दोनों हो जाएंगे प्लस, तो ये होगी ये उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई होप आपको ये पूर्णांक संख्या का गुणा समझ में आया होगा। चलिए फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपको छोटा बड़ा बताना है गुणा करके। ये हो जाएगा दो पंचे दस हो जाएगा यहाँ पर, और ये तीन पंचे पंद्रह, और माइनस है तो माइनस, चूँकि यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस माइनस। अब चूँकि देखिए फ्रेंड, दस छोटा है पंद्रह बड़ा है, लेकिन पंद्रह क्या है, माइनस है, इसलिए हम लोगों को प्लस वाला बड़ा करना होता है, ये प्लस वाला बड़ा है। उसके बाद फिर चार तिहाई बारह हुआ ये, और माइनस और इंटू वन हुआ, और ये अट्ठाईस हुआ, बारह कम बारह प्लस में आया, और ये हाँ प्लस में आया, और ये अट्ठाईस, तो अट्ठाईस क्या है, बड़ा है, तो इसमें भी हम लोग यही चिन्ह लगाए। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो चौके आठ हुआ माइनस इंटू फोर हुआ, और फिर आठ चौके आठ का सोलह थी चौबीस, और चौके बत्तीस, कितना हुआ ये प्लस बत्तीस हुआ, और आठ का सोलह थी चौबीस, ये कितना हुआ, ये चौबीस हुआ, ठीक है। चौबीस हुआ, अब इसमें देखने कौन बड़ा है, तो बत्तीस बड़ा है, यहाँ पर ही इस प्रकार से मुँह खोल देंगे। फिर आठ पंचे चालीस, ये पूरा प्लस में आ जाएगा, बीस दूनी चालीस, ये भी प्लस में आ गया, तो ये यहाँ पर कितना है, बराबर है, बराबर का चिन्ह, ये भी बराबर का चिन्ह आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो तिहाई छः गुड़े, और ये जीरो है, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, जीरो, और इसका भी उत्तर जीरो आ जाएगा, यहाँ पर बराबर है, ये भी बराबर है, क्योंकि किसी भी संख्या जीरो से गुणा करें जीरो आता है। फिर चार पंचे बीस इंटू माइनस थ्री, फिर बीस दिया साठ, तो माइनस साठ, और यहाँ पर चार पंचे बीस माइनस में, और इंटू माइनस थर्टी, तो यहाँ पर भी आ जाएगा साठ, ये प्लस में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस माइनस प्लस है। अब देखिए साठ, इसमें प्लस वाला साठ बड़ा है कि माइनस वाला, तो इसमें प्लस वाला साठ बड़ा है, और ये हो जाएगा ये चिन्ह, ये डाला गया। फिर आठ या चौबीस इंटू माइनस फाइव, तो कितना हो जाएगा, चार पंचे बीस के शून्य हासिल आई दो, और पाँच दूनी दस दो बारह, इतना हो जाएगा, और माइनस में, चूँकि यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है, और यहाँ पर तीन अट्ठे सॉरी तीन अट्ठे चौबीस, ठीक है। उसके बाद फिर इंटू माइनस फाइव, यहाँ पर भी उतना ही आ जाएगा, चार पंचे बीस की शून्य हासिल आई दो, और पाँच दूनी दस दो बारह, यहाँ पर भी ये माइनस आ गया, दोनों माइनस माइनस हैं, तो यहाँ पर ये बराबर माइनस एक सौ बीस माइनस एक सौ बीस, ये दोनों बराबर है, ठीक है। तो बराबर यहाँ पर भी उत्तर आया, चूंकि माइनस माइनस दोनों है, नंबर भी उनका दोनों है। इस प्रकार ये गुणा वाला छोटा बड़ा हम लोगों ने छाट लिया, इसका भी आंसर आप लोग प्रश्नावली में की उत्तरमाला में देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट ये दो क्वेश्चन है, ये थ्योरी वाला है। दो पूर्णांकों का योग यदि उनहत्तर है, यदि उनमें से एक पूर्णांक छप्पन है, तो दूसरा पूर्णांक बताइए। तो दूसरा कैसे करके हम लोगों को बताना है, तो दो पूर्णांकों का योग, दो पूर्णांकों का योग 69 है, पहला पूर्णांक है 56, तो दूसरा पूर्णांक ज्ञात करना है, दूसरा
पूर्णांक क्या करना है हमको ज्ञात करना है, तो इसमें क्या करना होगा 69 में 56 को घटा देना है, तो यहाँ पर जो उत्तर आएगा वो दूसरा पूर्णांक हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 23 दूसरा पूर्णांक है, ये हो गया आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हल करेंगे, दो पूर्णांकों का योग कितना है 85, पहला पूर्णांक कितना दिया है, पहला पूर्णांक है -15, तो दूसरा पूर्णांक ज्ञात करना है, दूसरा पूर्णांक ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन मार्क इसमें भी क्या करना है, 85 में से आपको क्या करना होगा 15 को घटाना है, तो 0 बचा और ये एक कितना बचेगा 70 बचेगा। पहला पूर्णांक इसमें क्या हो जाएगा, सॉरी दूसरा पूर्णांक इसमें 70 इसका आंसर है। ठीक है, एकदम सरल था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां नंबर, निम्न में से प्रत्येक का भागफल ज्ञात कीजिए। इनका भागफल हमको ज्ञात करना है, मैं यहीं पर ज्ञात करके बता देती हूँ, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10 यहाँ पर आ जाएगा इसका उत्तर 15, और यहाँ पास 4 एकम 4 4 0 0 यहाँ पास इसका उत्तर आ जाएगा 10, और यहाँ पास प्लस है यहाँ पास माइनस, तो यहाँ पर माइनस में उत्तर आएगा। उसके बाद फिर ये 12 चौके 48 हो जाता है, तो 12 चौके 48 प्लस माइनस माइनस हो गया यहाँ पर। और यहाँ पास अब क्या है कि 0 से किसी का हम भाग देंगे तो ये अपरिभाषित हो जाता है, इसका भाग नहीं होता है, आप पहले भाग वाले उसमें देख चुके हैं। फिर ये 14 एकम 14 ही होगा और ये माइनस उत्तर आ जाएगा। फिर ये 5 एकम 5 होगा ये, और उसके बाद 5 7 35 17 आ जाएगा ये, और ये प्लस माइनस है तो यहाँ पर माइनस ये उत्तर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर ये कैसे आएगा, कैसे आएगा, तो आप 80 में 20 का भाग देंगे तो 20 चौके क्या होता है, देखिए 20 चौके क्या होता है 80 होता है, और यहाँ पास माइनस कैसे आया, क्योंकि एक माइनस होगा एक तरफ प्लस होगा तभी यहाँ पर -20 आया है, तो 4 × 8 और 4 0 0 ये हो गया उत्तर। ठीक है, 46 है और ये 43 है, ये कैसे आया, यहाँ पर 2 का भाग किया होगा तभी ना, 2 × 4 और 2 × 3 = 6, और यहाँ पर माइनस कैसे आया, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर -2 होगा तभी यहाँ पर माइनस में उत्तर आया है, और यहाँ पास -24 है भागित 24 तो यहाँ पर 1 होगा, और यहाँ पर ये +24 क्यों है, क्योंकि ये -1 होगा, इसलिए 24 से कम 24 और प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पर होगा -12 तभी ये 12 कम 12 और ये -1 हो गया, क्योंकि माइनस क्यों आया है, क्योंकि एक तरफ माइनस होगा तभी। तो इतना ये हो गया, एकदम सरल है, भाग वाला है। नीचे दी गई संख्याओं की योज प्रतिलोम कैसे ज्ञात करना है, ये -17 होगा तभी जाके ये 0 आ जाएगा, यहाँ पर +23 होगा तो यहाँ पर इसका 0 आ जाएगा, यहाँ पर -68 होगा तो ये 0 आ जाएगा, और यहाँ पर +75 होगा तो यहाँ पर ये 0 आ जाएगा। तो ये हो गया इसका उत्तर। ठीक है, अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर कैसे आएगा, यहाँ पर अब ये 18 होगा तभी ये 0 आया है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर -26 होगा तभी ये 0 आया है, और यहाँ पास -161 होगा तभी ये 0 आया है, और यहाँ पास 79 होंगे तभी यहाँ पर 0 आया हुआ है। इस प्रकार की संख्याओं को योज तत्सम कहते हैं, योज प्रतिलोम इसको बोलते हैं। एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, सेम संख्या है कट जाएगा तो उसका उत्तर 0 आ जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको प्रश्नवाली का ये सवाल अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए थोड़ा सा हमने सीखा को देख लेते हैं। हमने सीखा में हम लोगों ने क्या क्या सीखा, पहला 2 धनात्मक पूर्णांकों का योगफल सदैव धनात्मक पूर्णांक तथा 2 ऋणात्मक पूर्णांकों के योगफल सदैव ऋणात्मक पूर्णांक होता है। ठीक है, हम लोगों ने इसको देखा है। दूसरा, 1 धनात्मक एवं 1 ऋणात्मक पूर्णांक का योगफल धनात्मक पूर्णांक होगा यदि धनात्मक पूर्णांक का आंकिक मान क्या हो, अधिक हो, तथा दूसरा होता है योग फल ऋणात्मक होगा यदि ऋणात्मक पूर्णांक का आंकिक मान क्या हो, अधिक हो। तो मतलब यहाँ पर क्या बोला है,
दो धनात्मक पूर्णांक मतलब कि 2 + 2 का जोड़ेंगे तो 4 आया, धनात्मक धनात्मक है, और 2 ऋणात्मक तो -2 और -2 करेंगे तो यहाँ पर +4 आया। ठीक है, यहाँ पर ये +4 और -2 इतना हुआ तो इसका उत्तर उत्तर क्या हो गया, धनात्मक में आया। और ये -4 और ये 2 तो इसका हम लोग घटाएंगे तो -2 में इसका उत्तर आया, मतलब कि ये यहाँ पर ये धनात्मक एवं एक ऋणात्मक पूर्णांक का योगफल सदैव धनात्मक होगा यदि उसका आंकिक मान पहला वाला बड़ा हो, और ऐसा धनात्मक ऋणात्मक होगा यदि योगफल ऋणात्मक होगा यदि ऋणात्मक पूर्णांक का अंकिक मान माइनस में हो तो उसका योगफल क्या होता है, माइनस में होता है। उसके बाद तीसरा है, दो पूर्णांकों का योग हमेशा एक पूर्णांक होता है, दो पूर्णांकों का योग हमेशा एक पूर्णांक होता है, यही पूर्णांकों के योग के लिए संवरक नियम होता है, मतलब कि 2 + 2 का उत्तर 4 आया, 2 × 2 का उत्तर क्या आया, 4 आया। तो मतलब कि ++ और जोड़ना और गुणा में भी यही नियम प्रयोग होता है, तो ये संवरक नियम है। ठीक है, चौथा, पूर्णांक में शून्य जोड़ने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता, शून्य को योग तत्सम अवयव कहते हैं। पूर्ण किसी भी संख्या में हम लोग शून्य को किसी संख्या जोड़ते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, योग तत्सम अवयव कहते हैं। फिर इधर पांचवा नंबर है, पूर्णांकों में एक का गुणा करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है, भैया 5 का गुणा आप 1 से करोगे तो यहाँ पर 5 ही आएगा, संख्या 1 को गुणन तत्समक कहते हैं। तो यदि किसी भी संख्या के साथ आप 1 का गुणा करेंगे तो उसका उत्तर उतना ही आएगा, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, गुणन तत्समक संख्या बोलते हैं। यदि आपके क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि गुणन तत्समक संख्या किसको बोलते हैं तो 1 को बोलते हैं। योज प्रति लोम सॉरी योज तत्समक अवयव किसे कहते हैं, शून्य को कहते हैं। इस प्रकार फिर छठवां, किसी धनात्मक संख्या को किसी ऋणात्मक संख्या के साथ गुणा करने पर गुणनफल हमेशा धनात्मक होता है। तो देखिए, धनात्मक संख्या का किसी भी धनात्मक संख्या को किसी ऋणात्मक संख्या के साथ गुणा करने पर गुणनफल ऋणात्मक होता है, तो +1 × -1 का गुणा करेंगे तो -1 ही आएगा, और -1 × +1 का गुणा करेंगे तो पर भी -1 ही आएगा। ये हो गया। उसके बाद सातवां है कि ऋणात्मक संख्या का ऋणात्मक संख्या के साथ गुणा होने पर धनात्मक संख्या प्राप्त होती है, तो भाई -1 × -1 का गुणा किए तो +1 में इसका उत्तर आया। ठीक है, दो पूर्णांकों के योग अंतर एवं गुणा, पूर्ण एक पूर्णांक होता है ये बात हम लोग जानते हैं। फिर नौवां है, दो पूर्णांकों से 0 घटाने पर उसका मान नहीं बदलता, इसको भी हम लोग जानते हैं। दसवां, प्रत्येक पूर्णांक की पूर्ववर्ती परवर्ती संख्या होती है, जी हाँ बिल्कुल होती है, 1 है तो 1 के पहले भी -1 के पहले भी -2, इस प्रकार की संख्याएं होती है। ठीक है, इस प्रकार की संख्याएं होती हैं। और ये 11वां, किसी ऋणात्मक संख्या का योज प्रतिलोम धनात्मक संख्या तथा किसी धनात्मक संख्या का योज प्रतिलोम ऋणात्मक होता है, मान लो कि +5 का योज प्रतिलोम -5 तभी इसके उत्तर 0 आएगा, और -5 का योज प्रतिलोम +5 तो इसका उत्तर आएगा 0। इस प्रकार से ये होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है, पूर्णांक के भाग पर सदैव संवरक गुणा गुण लागू नहीं होता है। ठीक है, नहीं लागू होता है, हम लोग देखे थे 3/4 में भागफल पूर्णांक नहीं प्राप्त होगा। फिर तीसरा, शून्य को छोड़कर प्रत्येक पूर्णांक में उसी पूर्णांक का भाग देने पर भागफल हमेशा 1 होता है। देखिए, शून्य को छोड़कर तो आप देखिए 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा, 5 का गुणा आप 1 से करेंगे तो यहाँ पर 5 आएगा, तो किसी भी संख्या का 1 से गुणा करेंगे तो उसका उत्तर उतना ही आता है, मान में परिवर्तन नहीं होता 0 को छोड़कर। उसके बाद 14, शून्य को छोड़कर प्रत्येक पूर्णांक को उसके योज प्रतिलोम से भाग देने पर परिणाम -1 प्राप्त होता है। शून्य बस को छोड़कर मतलब कि 17 है तो इसमें आप लोग 17 है तो -16 घटाएंगे, हाँ यहाँ पर +16 घटाएंगे तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा -1 0 को छोड़कर। फिर शून्य का गुणन प्रतिलोम अस्तित्व नहीं रखता है, शून्य का गुणन प्रतिलोम अस्तित्व नहीं रखता, मतलब कि आप 17 का गुणा 0 से करेंगे इसके उत्तर 0, 1000 इतना का गुणा आप 0 से करेंगे तो पर भी इसका उत्तर 0 ही होता है, किसी भी संख्या का 0 से गुणा करने पर उसका उत्तर हमेशा 0 ही आता है। 16, पूर्णांकों के गुण
गुणांकों गिर गुण होता है, योग संक्रिया में संवरक नियम लागू होता है, अंतर संक्रियम संवरक नियम लागू, गुणन संक्रियम संवर भाग संक्रियम संवरक नियम लागू नहीं होता है, फिर योग संक्रिया में कम क्रम विनिमय नियम लागू होता है, अंतर में नहीं होता है, घटाने में नहीं होता है, गुणन में नहीं होता है और भाग में नहीं होता है, सहचार्य नियम योग संक्रिया में लागू होता है, अंतर में घटाने में लागू नहीं होता है, गुणा में लागू होता है और भाग में लागू नहीं होता है। आई होप फ्रेंड्स पूरे पाठ का सार मैं आपको यहाँ पर बता दी हमने सीखा में। आई होप आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा। इसके जितने भी मैंने सॉल्व किए हैं सारे सवाल को, वो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।